हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ दिव्यांगों को 30,000 रूपए योजना का लाभ मिल सकता है, वो कैसे मिल सकता है, उसके लिए क्या करना होगा, ऐसी कौन सी योजना है, कौन सा कार्ड बनवाना पड़ेगा जिसमें आपको 30,000 रूपए मिल सकते हैं। ये यूपी की योजना है और ये उन्हीं को मिलेगा जिसकी शादी हो गई है और जिसके बच्ची हुई है, यानी लड़की पैदा हुई है, और ये जो है लड़की पैदा हुए एक साल के अंदर अंदर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो योजना का लाभ कैसे मिलेगा वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास लेबर मजदूर कार्ड है तो आपको इस योजना का फायदा मिल सकता है। लेबर मजदूर कार्ड क्या होता है? लेबर मजदूर कार्ड जो है तो गरीबी का, यानी मजदूर ये बंदा है और लेबर यानी मजदूरी करता है, उसका एक पंजीकरण बनता है, उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन का एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है पंजीकरण का। ये पंजीकरण कैसे बनता है तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। इस पंजीकरण में काफी योजनाएं निकलती रहती है, इसमें जो है एक साल में 3,000 रूपए आपको मिल ही जाते हैं, ऐसी योजनाएं निकलती रहती हैं, और ये किसी भी जनसेवा केंद्र पर बन जाता है या हर जिले के अंदर इसका श्रम विभाग ऑफिस है, लेबर मजदूर श्रम कार्ड ऑफिस बना हुआ है, आप वहां पे भी जाके बनवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये बनता कैसा है। ये ऐसे बनता है, आपके पास जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास फोटो होना चाहिए और आपके पास जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका नाम बिल्कुल सेम हो, और आप जहां पर भी मजदूरी करते हैं तो उसको एक लेटर पेड मिलता है। जहां पर आप किसी भट्टे पे काम करते हैं या किसी दुकानदार के पास काम करते हैं तो आपका कम से कम 90 दिन यानी 3 महीने काम किया हुआ हो तो वो आपको एक लेटर पेड पे लिख कर दे देगा कि ये बंदा ईमानदार है, ये इतने दिनों से मेरे पास काम कर रहा है। तो वो एक आपको वो एक जो होता है लेटर पेड पे लिखा हो वो बनता है, एक सप्रमाण पत्र निकलता है इसका। जब आवेदन शुरू करते हैं, आवेदन भरते हैं तो एक सप्रमाण पत्र निकलता है। ये फॉर्म भरने के बाद ये आवेदन ऑनलाइन होता है तो आपका जो है एक लेबर मजदूर कार्ड बन जाता है। इसकी हर साल में फीस जमा होती है, 25 रूपए या 50 रूपए साल की इसकी फीस जमा होती है और इसमें काफी सारी योजनाएं आती रहती है। ये गरीबों की योजना है तो आप जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई है और आपकी बच्ची पैदा यानी आपके लड़की पैदा हुई है तो अगर आपके पास लड़की है एक साल के अंदर अंदर तो आपको 30,000 रूपए योजना चल रही है, तो आप तो 30,000 रूपए आवेदन भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, तो दोस्तों इस योजना से आप फायदा उठा सकते हैं। और रही पेंशन की बात, दिव्यांगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पेंशन का है। इस बार जो है पेंशन धीरे धीरे सभी की भेजी जाएगी, ऐसा नहीं है कि पेंशन पहले क्या होता था, पेंशन जो है एक बार दिव्यांग की भेजी गई, उसके 2 दिन बाद वृद्धा पेंशन, उसके बाद विधवा पेंशन भेजी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है, अब सभी की पेंशन धीरे धीरे भेजी जा रही है। कुछ पेंशन जो है ऐसी थी जिनकी जो है किस्त रुकी हुई थी पिछली, तो वह भी पेंशन अब भेजी जाएगी और जो आने वाली पेंशन है वो भी भेजी जाएगी, और जिनकी केवाईसी रिजेक्ट हो गई है वो अपनी केवाईसी करा ले, और जिसकी सारी केवाईसी कंप्लीट है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो उसके राशन कार्ड लिंक हो रहे हैं। अगर किसी का राशन कार्ड बना हुआ नहीं है तो जल्दी से जल्दी अपना राशन कार्ड बनवा ले, और जिसका राशन कार्ड बना हुआ है तो अपने पेंशन में लिंक करा ले। और बैंकों ने भी केवाईसी शुरू कर दी है, बैंक में भी जाके अपनी केवाईसी चेक करा ले, एक बार केवाईसी करा ले, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट है तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपकी पेंशन 100% आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।